इसराइल की राजधानी यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के बाद हिंसा भड़क गई। इस दौरान नमाजियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई, जिसमें 150 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हो गए। इनमें से 83 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। रमजान के महीने में यहां फिलिस्तीनी और इसराइल पुलिस के बीच कई बार टकराव हो चुका है। इस बार शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पर अल अक्सा मस्जिद में करीब 70,000 की भीड़ थी। नमाज के बाद अचानक हिंसा हो गई, जिसके कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। फिलिस्तीनियों की रेड क्रिसेंट इमरजेंसी सर्विस के अनुसार पुलिस ने भीड़ पर सीधे रबर बुलेट चलाई। इससे ज्यादातर नमाजियों के चेहरे और आंखों में चोट आई है। हिंसा में 6 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इससे पहले के शुक्रवार को भी पुलिस के साथ संघर्ष में 2 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई थी। रमजान के पूरे महीने में पूर्वी यरूशलेम में तनाव बना रहा है। इस स्थान पर इसराइल और फिलिस्तीनी दोनों ही अपना दावा करते हैं। यह तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया जब इसराइल पुलिस ने कुछ पवित्र स्थानों के प्रवेश पर रोक लगा दी, जहां पूरे दिन रोजा रखने के बाद ज्यादातर मुस्लिम इकट्ठा होते हैं। अमेरिका ने इन संघर्षों पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि दोनों ही पक्षों को तनाव कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जनतंत्र टीवी के लिए सुधांशु चौरसिया की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।